मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा मध्य प्रदेश में सरकार ने लूट मचा रखी है। सरकार शेडो मुख्यमंत्री मिस्टर बंटाधार चला रहे हैं। मध्य प्रदेश में घनानंद का शासन चल रहा है, प्रदेश दुरावस्था के दौर में है। एमपी बीजेपी के नए अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शर्मा ने कहा सरकार शैडो मुख्यमंत्री मिस्टर बंटाधार चला रहे हैं, मध्य प्रदेश में धनांध का शासन चल रहा है, प्रदेश दुरावस्था के दौर में है, दिग्विजय सिंह के शासन से भी बुरी स्थिति में मध्य प्रदेश है, अब मध्य प्रदेश को बचाने का विषय है। अरे साहब, मध्य प्रदेश के हाल आप देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश दुरावस्था के दौर में है। मैंने कहा ना कि दिग्विजय सिंह से भी ज्यादा मध्य प्रदेश खराब हो गया है। जो उन्होंने इस मध्य प्रदेश की बदतर हालत की थी, उससे ज्यादा भी मध्य प्रदेश उस हालत में चला गया है। तो इसलिए मात्र एक चुनाव का विषय नहीं है जी, अब मध्य प्रदेश को बचाने का विषय है। मध्य प्रदेश के सारे रास्ते उन्होंने बंद कर दिए हैं। जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना में 8 लाख घर भेजते हैं गरीबों को सर पर छत देने के लिए, उनके हक को छीन करके 2 लाख घर वापस कर देते हैं, मैचिंग ग्रांट नहीं देते हैं, कहते हैं हम इनको घर नहीं देंगे, इससे दुरावस्था और क्या हो सकती है। बीडी शर्मा ने कहा कि ये लोग प्रदेश में नंगा नाच कर रहे हैं, इनके अब जाने की तैयारी है, इसलिए कमलनाथ सरकार शराब और रेत पर केंद्रित हो गई है। सरकार में संवैधानिक संकट है, शैडो मुख्यमंत्री सरकार चला रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।